हिंदू धर्म में गंगा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। आज के समय में हर कोई अपने घर में गंगा जल जरूर रखता है, लेकिन उसमें कुछ नियम कायदे रहते हैं। आइए पंडित जी जानते हैं वो नियम। मैया मोक्षदायिनी है, पाप नाशनी है और कल कल निनादनी गंगा मैया सदा पवित्र हैं और पवित्र करने वाली हैं। ऐसी गंगा मैया के पावन तीर्थ को हम लोग हर की पौड़ी से, ऋषिकेश से या काशी से गंगा जल लेकर आते हैं और घर में रखते हैं, जिससे घर में पवित्रता बनती है। लेकिन कहीं ये रखा हुआ जल हमारे यहाँ पर नकारात्मकता तो नहीं उत्पन्न कर रहा, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे घर में जो गंगा जल रखा है वो किस परिस्थिति में, किस स्थान पर और किस पात्र में रखा है। इसके लिए सबसे पहले पात्र शुद्ध पात्र हो, धातु का पात्र हो, तांबे अथवा पीतल का, कांसे का, चांदी का, ऐसे पात्र में यदि गंगा जल रखा है तो वह शुद्ध है, पवित्र है। और यदि प्लास्टिक में गंगा जल रखा है तो वह पूजन में योग्य नहीं है, पूजन के योग्य नहीं है। प्लास्टिक के स्पर्श मात्र से ही या कांच की बोतल के स्पर्श मात्र से ही गंगा जल अपनी पवित्रता को खो देता है। इसलिए जब भी हम गंगा जल लाएं तो वहीं से किसी धातु के पात्र में, उसमें भी स्टील को छोड़ करके, तांबा, पीतल, चांदी अथवा मिट्टी के पात्र में भी लाएं तो गंगा जल शुद्ध है। लेकिन कांच अथवा प्लास्टिक की बोतलों में गंगा जल ना लावे। दूसरा, जब हमारे घर में कोई तामसिक भोजन बना हो या हमने कोई ऐसा पदार्थ सेवन कर रखा हो जो हमें नहीं करना चाहिए, उस दिन गंगा जल का स्पर्श भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और हमारे घर में जहाँ पर उजाला हो, जहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश हो, ऐसे स्थान पर गंगा जल रखना चाहिए। ऐसे स्थान पर रखा हुआ गंगा जल अपनी शक्ति को खोता नहीं है, अपनी शुद्धता पवित्रता को खोता नहीं है। इस प्रकार से यदि कोई गंगा जल का सेवन करता है, पूजन में इस्तेमाल करता है, तो वह गंगा जल पवित्र है, शुद्ध है और गंगा मैया की कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है। जय गंगा मैया की।